जबलपुर कांग्रेस स्थापना दिवस पर शहर कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस ने 5 प्रस्तावों पर आंदोलन करने की घोषणा की है। विगत दिवस भोपाल में हुई प्रदेश के जिला अध्यक्षों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी से शहर कांग्रेस जनों को अवगत कराया। आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में विस्तार से चर्चा कर वार्ड प्रभारियों को कार्यभार व दायित्व बताए गए। उन्हें जानकारी दी गई कि उन्हें के क्या अधिकार और दायित्व है और किस प्रकार से अपने प्रभाव क्षेत्र में उन्हें कार्य करना है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को धन्यवाद देते हुए आभार जताया कि विगत 40 वर्षों से वार्ड पार्षदों प्रत्याशियों का चयन दिल्ली भोपाल से होता था, जिससे निर्णय गलत हो जाते थे और पार्टी को हार का सामना करना पड़ता था। अनेक बार कार्यकर्ता नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसको कमलनाथ जी ने गंभीरता से लिया और क्षेत्रीय स्तर पर चयन समिति बनाकर प्रत्येक वार्ड के लिए एक एक नाम प्रत्याशियों के देने के अधिकार दिए। यह अधिकार नेताओं के आपसी प्रतिद्वंदिता राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का शिकार न हो जाए, इसके लिए शहर अध्यक्ष दिनेश यादव ने घोषणा की है कि 79 वार्ड में कोई भी टिकट व्यक्तिगत रूप से नहीं मांगूंगा और न ही अपने वार्ड के लिए टिकट मांगूंगा। समिति जिसको उचित समझे वह सर्वमान्य प्रत्याशी होगा। यह घोषणा इसलिए हुई है ताकि किसी भी प्रकार का विरोध उत्पन्न न हो और यह अधिकार शहर से छीन जाए। मामूर गुड्डू जी, भाई रामदास यादव जी, संजय हरवार जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं भी मुकेश राठौर जी से आग्रह करूंगा कि अपने सुझाव। आज के इस स्थापना 136वां जो वर्ष है उसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं नगर अध्यक्ष। ये खुशी की बात है कि और मध्य प्रदेश में ये स्पष्टता में जो लोग सच्चाई अगर स्वीकार करें दिवस मनाया जाता है। हमने व्हाट्सएप में पेपरों में देखा, लेकिन जबलपुर का जो कंपाउंड है पूर्व पार्षद जी का, उनके वहाँ पर सबको सब्जेक्ट मिला था दादा, कोई सब्जेक्ट पे बहस भी हुई। मैंने स्थापना दिवस से भी बात कर रहा हूँ कि ये स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश में जबलपुर में इस प्रकार का स्थापना दिवस मनाया गया, आप बिल्कुल सत्यता स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, ये स्थापना समय जरूरत थी और उस समय मैं मध्य प्रदेश के अंदर कभी मौका मिला। हम गौरवान्वित हैं ऐसे संगठन और ऐसी पार्टी के सदस्य होने के लिए जिन्होंने 135 साल आज पूरे कर लिए। 136वां आज उनका हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर और आज तक के विकास और उन्नति और प्रगति का जो मापदंड तय हुआ है, जो भी आज भारत देश की पूरी भारत में विश्व में पहचान बनी है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। ऐसे जिसको लेके आज हम यहाँ पर अनेक प्रकारों से विस्तार रूप से हमने चर्चा की है। परम्परा अनुसार, नीति रीति के अनुसार हमेशा जो हमारे कांग्रेस स्थापना दिवस होता है, जिले वाइज ब्लॉक वाइज हम इसे मनाते हैं। जैसे एक व्यापारी अपने साल के बैलेंस शीट बनाता है और ये देखता है हमने क्या कमाया क्या खोया, और एक सरकार आने वाले समय के लिए बजट बनाती है कि हमें आगे क्या करना है, कौन से प्रोजेक्ट और किस प्रकार से संचालन करना है। ठीक वैसी कांग्रेस पार्टी का आज का दिन है कि हमने पिछले साल क्या किया, क्या नुकसान फायदे थे हमारे, कहाँ गलती हुई, क्या सुधार करना है, एक उस पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। सामने हमें आगे आगामी वाले समय में क्या करना है उस पर भी एक हम कार्य योजना बनाते हैं, जिसको लेके आज 2 सत्र में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। एक सत्र था हमारे कार्यकर्ताओं का जिन्होंने अपनी बात को रखा, अपने विचारों को रखा। दूसरा सत्र हमारे वरिष्ठ नेताओं का था जो उनकी बात को उन्होंने सुन के और उनको मार्गदर्शन दिया। एक कांग्रेस स्थापना दिवस आज हमने मनाया है। इसी में साथ में चूंकि नगर निगम के चुनाव हैं, नगर निगम चुनाव में अनेक प्रकार की तैयारी कांग्रेस पार्टी करके चल रही है, हर वार्ड में प्रभारी बना रही, संगठन को मजबूत करते हुए और कई रणनीति के तहत है जिसको हम आप तक नहीं पहुंच दे सकते हैं, उन सबको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज विचार मंथन किया है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से चर्चाएं होकर आई हैं वो आने वाले समय में नगर सत्ता कांग्रेस पार्टी की होगी। जो भी पार्षद प्रत्याशी हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी अपने सम्मिलित करें हर कार्यक्रम में, और ताकि जबलपुर में अभी हम लोग की पोजीशन अच्छी है कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए और महापौर के लिए भी अच्छा हम लोग को माहौल मिल रहा है। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमको 3 महीने और मिल गए हैं चुनाव प्रचार के लिए,
हम कांग्रेस के प्रत्याशी सब संगठित होकर काम करें, टिकट एक को मिलनी है, हम कांग्रेस के लिए समर्पित हैं और कांग्रेस के लिए क्या काम कर सकते हैं वो भी अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।